वाली हेडिंग कवर कर रहे थे, ये हमने ज़रा देख लिया था थोड़ा कि क्या चक्कर है इसका, रिएक्ट क्या चीज़ है। आज हमने हेलो वर्ल्ड करना है, लेकिन इससे पहले अगर व्हाट इज़ रिएक्ट वाले पार्ट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जो कस्टम टैग का जिक्र हुआ था लास्ट, वो सब लोगों को पता है, ठीक है। और हमने ये देखा था कि जी कंपोनेंट जो वो क्या होता है, जस्ट एक कस्टम टैग की तरह होता है, लेकिन उस टैग का जो बिहेवियर होता है HTML के अंदर, तो वो बिहेवियर फिक्स होता है कि जी वो div की तरह बिहेव करेगा। लेकिन क्या होता है रिएक्ट के अंदर, वो कंपोनेंट का बिहेवियर हम खुद लिखते हैं प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा जी, वनीला रिएक्ट कहाँ लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट आई मीन व्हेन आई टॉक अबाउट लर्निंग रिएक्ट जस्ट वनीला रिएक्ट ऑल बाई इट्सेल्फ, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर हियर। अच्छा, वनीला जो होता है ना, वनीला आइसक्रीम होती है वैसे, तो उसका मतलब होता है कि सिर्फ आइसक्रीम होगी उसमें ना, और कुछ टॉपिंग वॉपिंग नहीं होगी, सही है। तो उसको वनीला बोलते हैं, नहीं प्लेन होता है, सही है। प्लेन जावास्क्रिप्ट या वनीला जावास्क्रिप्ट, इसका एक ही मतलब होता है, ठीक है। अब जब ये कह रहा है ना वनीला रिएक्ट, वनीला रिएक्ट का मतलब ये है कि देखो रिएक्ट के साथ ना बहुत सारे टूल्स भी हैं, जैसे रिडक्स है, कॉन्टेक्स्ट है, और कुछ इधर उधर के। जाहिर है सिर्फ रिएक्ट से तो पूरी वेबसाइट नहीं बन जाती ना, साथ में जाहिर है उसके सर्वर भी होगा Node.js का, फिर डेटाबेस भी कोई ना कोई होगा, तो इस तरह के दूसरे पूरा स्टैक होगा, टेक्नोलॉजी स्टैक कहते हैं उसको। तो टेक्नोलॉजी स्टैक भी होता है समटाइम, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो रिएक्ट के भी ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट ना कुछ मज़ीद फ्रेमवर्क्स आ गए, जैसे Next.js है वो ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट चलता है। तो अगर कोई वनीला रिएक्ट कह रहा है ना, इसका मतलब है Next.js वगैरह की वो बात नहीं कर रहा। तो ये सारे इसके मतलब हैं यहाँ पे, क्योंकि इसने शुरू में यहाँ पे ना रिडक्स वगैरह का भी जिक्र कर दिया था, तो वो वही क्लैरिफाई कर रहा है कि मैं रिएक्ट को सिर्फ कवर करूँगा, रिडक्स कवर नहीं करूँगा मैं। वापस आ जाते हैं व्हाट इज़ रिएक्ट वाली हेडिंग पे। अच्छा जी, अब अगली बात यहाँ पे क्या कर रहा है कि वन वे ऑफ डिफाइनिंग वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ रिएक्ट इज़ वन वे डेटा फ्लो। वन वे डेटा फ्लो का क्या मतलब है कि डेटा जो है ना वो टॉप कंपोनेंट से सिर्फ बॉटम कंपोनेंट की तरफ जाएगा, बॉटम से वापस टॉप पे वो नहीं आएगा। अब ये क्या चीज़ है, कंपोनेंट से डेटा बॉटम की तरफ जाना, इसका क्या मतलब है, ये शायद आपको अभी बात समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको ज़रा इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो हम कोई ना कोई डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करते हैं, हम कोई ना कोई डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करते हैं, क्यों कि देखो यार जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ना, वो तो आपको बहुत, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, इसको हम कहते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी है ना मेन स्ट्रीम की तमाम क्या हैं कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मसला ये होता है कि उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है कि जी काम कैसे किया जाएगा, अप्रोच क्या होगी। जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग बट अप्रोच, ठीक है। तो लोगों ने डिसाइड किया अच्छा जी ये वाली अप्रोच होनी चाहिए। या इसी तरीके से जो डेटा फ्लो करेगा मेरी एप्लीकेशन में, तो वो कैसे फ्लो करेगा डेटा, डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा होगा। तो ये जो वन वे डेटा फ्लो है ना, दिस इज़ एक्चुअली अ डिज़ाइन पैटर्न। अच्छा, तो इसको एक डिज़ाइन पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं MVC डिज़ाइन पैटर्न, सही है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब ये डिज़ाइन पैटर्न जो होता है ना, ये अबव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है, यानी इसका इटसेल्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कोई लेना देना नहीं है। ये आप इसको अबव, तो शायद पता नहीं मैं सही वर्ड, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है इसके लिए क्या बोलेंगे,
कि रिगार्डलेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये, चाहे वो पाइथन के ऊपर बन रहा हो प्रोग्राम, या वो सी शार्प के ऊपर बन रहा हो, या डॉट नेट पे बन रहा हो, या रिएक्ट पे, जावास्क्रिप्ट पे बन रहा हो, डिज़ाइन पैटर्न ये इन चीज़ों से ऊपर है, ये अप्रोच है। क्योंकि तो MVC डिज़ाइन पैटर्न ना किसी भी पे भी अप्लाई हो सकता है, ये पाइथन की ऐप पे भी हो सकता है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी होता है। अच्छा, ज़्यादातर इसका रोनर होते हैं ये जो फ्रंट एंड वो है ना, क्या बोलते हैं, डॉट नेट वाले और जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो वो इसका रोना ज़्यादा होते हैं। फिर बीच में जब एंगुलर का फ्रेमवर्क आया था तो उसमें भी ये डिस्कशन ज़रा छिड़ गई थी, लेकिन और दूसरे फ्रेमवर्क्स में इसका जिक्र इतना नहीं छिड़ता। क्यों? वो बात से बात निकलती है ना, तो जो हॉट टॉपिक होता है तो वो चल जाता है। तो एंगुलर के ज़माने में ये बड़ा बहस था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वो इसको इस रूल को चेंज कर दिया था। उन्होंने बोला डेटा ना टू वे फ्लो होगा, वन वे नहीं होगा। तो ये उन्होंने एक बिल्कुल ही नई चीज़ कर दी थी मार्केट में, जो कि इससे पहले नहीं होती थी। तो अब जब रिएक्ट आया ना, फिर तो इन्होंने वापस उसको वन वे पे कर दिया। अच्छा, तो क्या है यार MVC? MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। अच्छा, इसमें मॉडल जो बोला जा रहा है, ये वो उस जगह को बोला जा रहा है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है? वो डेटाबेस हो सकता है, वो कोई वेरिएबल हो सकता है, ठीक है? मॉडल जहाँ पे डेटा एक्चुअल में पड़ा हुआ है, और व्यू उसको बोला जा रहा है जहाँ पे डेटा आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, व्यू अगर आपकी प्लेन जावास्क्रिप्ट की ऐप है तो HTML पे आप दिखा रहे हैं उसको, HTML आपका व्यू है। अगर आप रिएक्ट की ऐप है तो उसमें आपका जो है ना कंपोनेंट जो रेंडर होता है उसमें JSX आपका व्यू है, ठीक है? तो जो जहाँ पे दिख रही है एप्लीकेशन ना, वो व्यू है आपका। हो सकता है आपकी स्क्रीन पे कोई फॉर्म हो तो वो फॉर्म के अंदर डेटा दिख रहा है, या कोई कार्ड बना हुआ है उसमें दिख, तो वो कार्ड एक्चुअली आपका व्यू है। तो मॉडल हो गया, व्यू हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है डेटा जब कहीं डेटाबेस से आएगा तो स्क्रीन पे उसको दिखाना तो है ना हर क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर एक वो इस्तेमाल होता है कि ना इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, इसको बोलते हैं IPO मॉडल। तो दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ना, वो IPO मॉडल भी चलते हैं, मतलब और तो कोई काम नहीं हो रहा ना, तो IPO मॉडल जब फॉलो कर रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर दुनिया के, तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट में डेटा का फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये IPO मॉडल जो वो बड़ा बहुत जनरलाइज है, ये दुनिया के हर सॉफ्टवेयर पे अप्लाई होता है, ठीक है? लेकिन अब उनमें से कुछ के ऊपर जो है हम MVC मॉडल अप्लाई करते हैं, कुछ पे दूसरा भी कर सकते हैं। तो अब मॉडल हो गया, हमें व्यू समझ आ गया कि यार डेटा का इनपुट लेंगे तो बंदा कहीं ना कहीं लिखेगा ना, तो वो उसका व्यू होगा एक्चुअली, या जो सामने से वापस जो उसको देखेगा तो उसका व्यू होगा। और जाहिर है प्रोसेस करके कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ सकता है, कुछ सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करके स्टोर नहीं करते, बस प्रोसेस करते हैं डायरेक्ट दिखा देते हैं। तो और कंट्रोलर उसके मॉडल और व्यू उसके दरमियान में जो चीज़ है ना, उसको कहते हैं हम कंट्रोलर। कंट्रोलर ये डिसाइड करता है कि फॉर्म पे अगर एक बात लिखी गई है और लिख के सबमिट का बटन दबाया गया है, तो फॉर्म से डेटा उठ के वेरिएबल तक, और वेरिएबल से उठ के फिर समहाउ डेटाबेस तक, या जो भी मॉडल उसका परमानेंट मॉडल है जो, वहाँ तक वो जाएगा, ठीक है? तो ये कंट्रोलर के हाथ में होती है ये चीज़। और फिर जाहिर है जब वो मॉडल में वंस चला गया, तो मॉडल से दोबारा ला के भी उसको व्यू पे दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो ये भी कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि मॉडल से उठा के उसको वापस व्यू पे कैसे करके दिखाना है, ठीक है? तो ये MVC होता है। अच्छा, ऐसा MVC का डिज़ाइन पैटर्न अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं यार फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि IPO मॉडल तो वो तो सभी फॉलो कर रहे हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए वो तो चल ही रहा है उसके ऊपर है, लेकिन IPO मॉडल तो सबसे जनरल है। लेकिन कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो उसको बंदा बोलेगा यार मैं MVC फॉलो कर रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं यार मैं कोई दूसरा फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, डिज़ाइन पैटर्न जो वो 6-7 ऐसे हैं जो मोस्ट कॉमन है, उसका बड़ा जिक्र होता है, और भी बहुत सारे हैं जो लेस कॉमन है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन पैटर्न्स भी हैं जो एक बंदे ने बनाया, उसने खुद ही यूज़ किया, किसी और ने उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, ठीक है? तो मोस्ट कॉमन जो हैं वो 5-6 हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है समटाइम कि एक ही सॉफ्टवेयर में एक से ज़्यादा डिज़ाइन पैटर्न फॉलो हो रहे होते हैं, ठीक है? तो वेल, अब अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं MVC फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें ये कभी भी नहीं हो सकता कि मॉडल से डेटा उठ के डायरेक्ट व्यू पे आ जाए कंट्रोलर को बाईपास करके, ठीक है? हमेशा जब भी मॉडल से डेटा उठेगा तो वो कंट्रोलर उसको उठाएगा और कंट्रोलर ही व्यू पे उसको डिस्प्ले करवाएगा, कंट्रोलर बीच में खड़ा हुआ है। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि व्यू पे बंदे ने कोई चीज़ लिखी इन टेक्स्ट बॉक्स में, और टेक्स्ट बॉक्स में
लिखने के बाद वो टेक्स्ट बॉक्स डायरेक्ट मॉडल तक पहुंच गया कंट्रोलर को बाईपास करके, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी व्यू और मॉडल ये डायरेक्ट नहीं हो सकते आपस में। ये एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न कहता है कि यार आपने इसको इस तरह करना है। अच्छा, अगर आप एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे, आप जो मर्ज़ी करते रहें। तो जो एंगुलर जब आई थी ना, तो उन्होंने यही किया था, उन्होंने बोला था कि थ्री वे बाइंडिंग होगी। उन्होंने बनाया इसका ट्रायंगल, उन्होंने बोला कि यार ये जो वन वे है ना, इसको हम करेंगे थ्री वे। कैसे करेंगे हम रखेंगे कंट्रोलर बीच में, एक तरफ मॉडल होगा, एक तरफ व्यू होगा। अब ये बीच में से डेटा गुजर के जाता है ना हर दफ़ा। उन्होंने बोला कि इसको हम ट्रायंगल शेप बना देते हैं, ट्रायंगल के एक कोने पे व्यू, एक पे कंट्रोलर, एक पे मॉडल। अब मॉडल से डायरेक्ट चीज़ जाती थी व्यू पे, और व्यू से डायरेक्ट चीज़ जाती थी मॉडल पे, और कंट्रोलर को दोनों का एक्सेस होता था। एक अजीब सी उन्होंने कहानी कर दी थी, जो कि डिज़ाइन का पार्ट नहीं था। वो डिज़ाइन पैटर्न उन्होंने एक अपना ही शायद बना दिया था नया। वेल, तो इन्होंने उसको वापस अपनी जगह पे लेकर आ गई। जस्ट इतनी सी बात है, यही वजह है कि यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई है, क्योंकि ये मार्केट में चल रहा था इस तरह का एक मामला। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो एंगुलर का नया वाला वर्जन है ना, तो वो भी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने दोनों चीज़ें कर दी हैं। उन्होंने बाई डिफ़ॉल्ट उसको रखा है वन वे, लेकिन अगर कोई बंदा टू वे करना चाहता है तो वो टू वे भी हो जाता है, ठीक है। और थ्री वे का भी शायद उसमें ऑप्शन अभी भी है, लेकिन अब लोग वन वे को ही इस्तेमाल करते हैं, वन वे को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न जो है ना वो वन वे वाला है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ और भी बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में फॉलो होती है, लेकिन डिस्कस नहीं होती है। क्यों? ये इसलिए डिस्कस नहीं होती कि ये पहले से फुलफिल्ड है, पहले से डिसाइडेड है, ठीक है, म्यूचुअली डिसाइडेड है। सबको पता है ऐसे ही होता ही है, सही है। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी पे बैठे हो, सही है, गाड़ी ड्राइव करके आया है कोई बंदा, गाड़ी में बैठा हुआ है, अब उसने गाड़ी से बाहर निकलना है, तो वो कैसे निकलेगा? दरवाज़ा खोलेगा, ठीक है, पहले एक टांग बाहर निकालेगा, या दोनों एक साथ शायद बाहर निकाल ले। तो ये सबको पता ना ऐसे ही होता है, इसको करने के और भी तरीके हैं, विंड स्क्रीन तोड़ के भी बाहर आ सकता है बंदा, लेकिन आमतौर पर ये बात डिस्कस नहीं होती। कि अगर गाड़ी ख़रीदते हैं आप, तो वहाँ पर मैनुअल में ये बात लिखी नहीं होती कि आपने गाड़ी में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा खोल के दाखिल होना है, क्योंकि ये इतनी कॉमन बात है, ये पहले से डिसाइडेड है, ये म्यूचुअली डिसाइडेड चीज़ है कि यार दरवाज़ा खुल के ही अंदर बैठेगा बंदा, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से चीज़ है कि जी ये डेटा फ्लो है ना, वन वे डेटा फ्लो, ये यहाँ पे लिखने वाली बात थी नहीं, लेकिन लिखा इसलिए गया क्योंकि बात से बात निकलती है। अच्छा, तो यहाँ पर इसने पूरा वो बताया हुआ है कि जी इन वन वे डेटा फ्लो, डेटा इज़ ओनली एवर पास्ड डाउन टू द ट्री। अब ये ट्री वाला जो तरीका इसने करके बताया ना, ये ट्री वाला तरीका आपको कंपोनेंट्स के हिसाब से ये अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन MVC आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा जो मैंने कॉमन करके बताया। अच्छा, तो इसने यहाँ पे लास्ट में बोला है कि यार रिएक्ट इज़ ग्रेट वे ऑफ बिल्डिंग इंटरेक्टिव UI एंड इट्स वेरी पॉपुलर राइट नाउ एंड हैज़ बीन फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से है ये पॉपुलर। इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट इनटू अ करियर ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट इज़ एन एक्सेलेंट लाइब्रेरी टू लर्न, React developer are highly in demand, ठीक है। ये इसने थोड़ी सी एक तमीद भी बांध दी यहाँ पे। अच्छा, what you should learn before React? इसने कहा भाई prerequisite तो इतना कुछ नहीं है, आपको JavaScript आनी चाहिए, ठीक है, JavaScript आपको आनी चाहिए। और इसने ये भी बात जिक्र की है कि यार जो JavaScript, जो JSX है ना, या जो itself पूरी की पूरी React is just a plain JavaScript, उसमें कुछ भी रिएक्ट स्पेसिफिक है ही नहीं रिएक्ट के अंदर। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिएक्ट भी पहले से आती है, ठीक है। इसने यहाँ पे इस बात को मज़ीद लिखा है कि रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी ऑन द टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर लाइब्रेरीज दैट आर जस्ट सेट ऑफ फंक्शंस। लाइब्रेरी हमने शुरू से ये देखा है कि बहुत सारे फंक्शन को लिख के एक जगह इकट्ठा कर दो तो वो फंक्शन की लाइब्रेरी बन जाती है, जैसे बुक की लाइब्रेरी होती है जैसे फंक्शन की लाइब्रेरी। तो रिएक्ट हैज़ इट्स ओन JSX सिंटैक्स इट गेट मिक्स्ड इन। आमतौर पे लाइब्रेरीज़ का अपना कोई सिंटैक्स नहीं होता, लेकिन रिएक्ट के अंदर ये एक्सेप्शन है कि इन्होंने एक अपना सिंटैक्स भी बनाया हुआ है। लेकिन अपना सिंटैक्स होने के बावजूद ये फ्रेमवर्क नहीं है, स्टिल ये लाइब्रेरी है। विदाउट सॉलिड ग्रैस्प ऑफ JavaScript syntax, it can be hard to tell which part of the code is React thing and which part of just JavaScript. कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छे से JavaScript नहीं ना आती, तो
तो आपके लिए शायद ये पार्ट, ये बात बताना भी मुश्किल हो कि कौन सा पार्ट जो है वो JSX है, यानी कि रिएक्ट की स्पेसिफिक चीज़ है, और कौन सा पार्ट जो है वो सिंपल जावास्क्रिप्ट है. अल्टीमेटली इट टर्न्स इनटू अ जंबल मैस इन योर हेड. अच्छा, JSX के बारे में मजीद कह रहे हैं कि हैविली इंस्पायर्ड बाई HTML. बिल्कुल, HTML की तरह टैग ओपन होगा, टैग क्लोज होगा, ठीक है, लेकिन वो टैग असल में क्या होगा, वो कंपोनेंट्स होंगे. अच्छा, फिर स्टाइलिंग के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि रिएक्ट हैज़ नो प्रेफर्ड वे टू डू स्टाइलिंग. स्टाइलिंग का कोई प्रेफर्ड वे नहीं है, आप चाहें तो इनलाइन कर लें, चाहें तो आप कोई CSS का फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर लें. हाँ, इनलाइन थोड़ा सा अलग तो होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रेफर्ड कोई वे नहीं है. जैसे सिंपल जो प्लेन HTML की जब ऐप लिखते हैं तो उसमें प्रेफर्ड वे क्या है स्टाइलिंग का? एक्सटर्नल फाइल है वो प्रेफर्ड वे. ठीक है, लोग कहते हैं कि जी एक्सटर्नल आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है. हाँ, नेटर क्या? रिएक्ट नेटिव में? रिएक्ट नेटिव तो रिएक्ट ही है ना एक्चुअली, वो रिएक्ट ही है एक्चुअली. रिएक्ट नेटिव जो है ना वो एक्चुअली रिएक्ट है, उसका एक आप समझ लें उसका एक फोर्टिफाइड वर्जन है रिएक्ट का. उसमें ये होता है कि जी इसमें सिर्फ कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कंपोनेंट्स के साथ साथ जो है वो प्लगइन्स भी होते हैं उसके. ठीक है, कंपोनेंट्स भी फिर उसके ज़रा अलग होते हैं, मोबाइल फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं वो, लेकिन एक्चुअली यूज़ इफेक्ट वगैरह वो सारी चीज़ें तो सेम उसी तरह है. कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट वही है सारा. तो वो एक्चुअली जो रिएक्ट के लिए जो चीज़ प्रेफर्ड है ना CSS में, वही उसके लिए भी है. अच्छा, अब यहाँ पे इसने एक और बात की है कि यार लोग सवाल पूछते हैं कि हाउ टू डू दैट इन रिएक्ट. कोई भी सवाल पूछते हैं कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट इन रिएक्ट. कह रहे हैं कि वो सारे क्वेश्चन ज़्यादातर ना जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन होते हैं, वो रिएक्ट के क्वेश्चन होते ही नहीं हैं, तो लोग असल में जावास्क्रिप्ट में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं. अच्छा, ये असल में जिस टाइम पर रिएक्ट आई थी ना, नहीं, उसी वक्त क्या हुआ था कि ES6 की बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई थी, और जो ज़ाहिर है जो एक चीज़ होती है कंपनीज़ में, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में, जिसको हम कहते हैं डेवलपर एडवोकेट. ठीक है, मैं भी एक ज़माने में वो चीज़ था. तो वो जो चीज़ होती है ना, वो क्या करती है, वो ऐसे नई चीज़ें ला के फेंकती है ना मार्केट में, डेवलपर सारे परेशान हो जाते हैं. वो एक दूसरे को देखते हैं कि यार ये क्या कर रहा है हमारे साथ. ठीक है, डेवलपर एडवोकेट उसको कहते हैं जिसका काम ये होता है कि नई टेक्नोलॉजी को सीखे और जो कंपनी में या उस डिपार्टमेंट में जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं उनको सिखाए. ठीक है, तो डेवलपर एडवोकेट ये सब रखते हैं ये लोग, जितने भी लाइब्रेरी लिख रहे हैं, फ्रेमवर्क लिख रहे हैं ना, इनमें डेवलपर एडवोकेट सब ने रखे हुए होते हैं. तो वो भाई लिखते हैं जब कोड तो बिल्कुल नए वाले सिंटैक्स पे लिखते हैं, अब वो सारे बच्चे हो जाते हैं परेशान. तो ये इस वजह से ना उस ज़माने में जब ये 2016, 17, 18, 19, क्योंकि 2016 में जो है वो ES6 सब लोगों ने एक्सेप्ट की. आपको पता ना 2015 में ES6 ES 2015 आई, जो हमने लास्ट क्लास में देखा भी था. 2016 में उसको क्रोम ने और फायरफॉक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, ब्राउज़र में उसकी सपोर्ट आ गई. फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि जो है ना वो डेवलपर एडवोकेट ने कहानी कर दी होगी इनके साथ, नया नया कोड लिख के दिया होगा ये. तो ये वाले सवाल उस ज़माने में बड़े आते थे, लेकिन अब आई थिंक जो है ES6 ज़रा नॉर्मलाइज हो गई है. ES6 ही अब न्यू नॉर्मल है. तो मेरा ख्याल है अब ये वाले क्वेश्चन भी किसी हद तक कम हुए हैं, लेकिन स्टिल आपने इसको जहन में रखना है कि बहुत सारे सवाल जो होंगे वो प्लेन जावास्क्रिप्ट के सवाल होंगे. अच्छा यार, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने ये हेलो वर्ल्ड बना लिया है अभी तक? बाकी लोगों ने नहीं बनाया? अच्छा, तो मिलके बनाते हैं यार हेलो वर्ल्ड ये, सही है. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की बनाने की लेकिन उनसे बना नहीं? असल तो मसला वो है ना, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने बनाने की कोशिश की ये वाला लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम आ गया और बना नहीं आपसे? कोई है ऐसा यहाँ पे? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ है कि जिन लोगों ने बनाने की कोशिश की उनसे बन गया, बाकी लोगों ने बनाने की कोशिश नहीं की. ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने बनाने की कोशिश की उससे बनाना हो. अच्छा, वेल, इसको हम जरा जल्दी जल्दी से हम गो थ्रू कर लेते हैं इसको. अब ये इसने बोला ना कि यार शुरू में आप क्या करोगे, कोड सैंडबॉक्स में आप बनाओगे नया प्रोजेक्ट. ठीक है, इसका वैसे CLI से हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन इसने बोला आप कोड सैंडबॉक्स से नया प्रोजेक्ट बनाओगे. तो हम इसको 5 स्टेप इसने बताए हैं सिंपल से, ये 5 स्टेप आपने करना है तो ये आपका हेलो वर्ल्ड बन जाएगा.
क्लिक करके इस पे मैं चला गया कोड सैंडबॉक्स में। अरे ये क्या किया उसने, आर्टिकल वाला पेज ही छोड़ दिया। इसको मैंने नया टैब में कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा जो है ना खुल गया वो वाला, कोई भी उसने जो लिंक दिया था वो खुल गया। अच्छा अब उसके बाद क्या कह रहा है कि द प्रोजेक्ट विल हैव ऐप डॉट जे एस ओपन, क्लोज दैट फाइल, वी डोंट नीड दैट फाइल, इवन यू कैन डिलीट दिस। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, ये डिलीट होगी कैसे आके देखते हैं। अच्छा ये जो साइड बार है ना, इसमें देखो ये टेम्पलेट इन्फो लिखा हुआ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। उसके नीचे फाइल्स आ रहा है, उसके नीचे डिपेंडेंसीज आ रहा है, तो ये फाइल्स वाले सेक्शन के अंदर मेरे पास ये ऐप डॉट जे एस खुला हुआ है। दिस एडिटर इज़ जस्ट लाइक वी एस कोड, ठीक है, और ये इस फाइल को कह रहा है, ये खुली भी है ना इसको बंद कर दो आप। और यहाँ पे से अगर इसको डिलीट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, राइट क्लिक करके तो नहीं आ रहा, हाँ राइट क्लिक करके भी आ रहा है और यहाँ पे ऐसे क्लिक करके भी आ रहा है, डिलीट दिस फाइल, मैंने कहा यस। ठीक है अच्छा, जैसे ही मैंने उस फाइल को डिलीट कर दिया तो अब इंडेक्स डॉट जे एस एक फाइल मेरे पास है और एक स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से भी एक फाइल है। अच्छा अब अगला स्टेप मुझे क्या बता रहा है, ये पांच स्टेप हैं टोटल, तो दो तो मैंने कर लिए। तीसरा, सेलेक्ट इंडेक्स डॉट जे एस फाइल फ्रॉम द लेफ्ट पैन। इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल में कह रहा है यहाँ पे ऐसे जाके इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब अगला, होल्ड योर ब्रेथ एंड डिलीट द एंटायर कॉन्टेंट, कि अपनी सांस रोक के आपने इंडेक्स डॉट जे एस की फाइल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको डिलीट करना है। ठीक है तो भाई इसके लिए सांस रोकना मैंडेटरी नहीं है, बगैर सांस रोके भी आप डिलीट करेंगे तो कोड सही चलेगा आपको। तो ये कह रहा है कि इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ना इसको आपने ऐसे डिलीट कर देना है कि। ठीक है अच्छा, ये चार स्टेप हो गए और पांचवें स्टेप में इसने बोला है कि ये वाला कोड आपने क्या करना है, टाइप करना है यहाँ। ठीक है अच्छा, इस कोड को आपने अपने हाथ से ही टाइप करना है। जो लोग पहली दफ़ा रिएक्ट कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं रिएक्ट के साथ, वो कोशिश करें कि इस फाइल को अपने हाथ से ही टाइप करें। ठीक है लेकिन मैं फ़िलहाल टाइम बचाने के लिए इसको यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है यहाँ पे इन्होंने ख़ुद भी ये बात मेंशन की है इस आर्टिकल में, जो दोस्त है ना, कि भाई कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, जब आप हाथ से टाइप करते हैं ना तो चीज़ आपके दिमाग में बैठती है, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि आप हाथ से टाइप करें। ठीक है अच्छा, तो ये जैसे ही कोड आप हाथ से टाइप करेंगे तो क्या होगा, यहीं पे इसका फौरन ये रिज़ल्ट भी दिखा देगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ जाएगा आपके पास। ठीक है अच्छा, अब ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ गया, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मेरा क्या हो गया, रन हो गया। अच्छा अब यहाँ पे नीचे ना इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है एक एक करके कि यार ये लिखा क्या है आखिर। इम्पोर्ट्स, जो टॉप पे कुछ इम्पोर्ट की लाइन मौजूद है। अच्छा इम्पोर्ट से हम लोग सब फेमिलियर हैं, यहाँ पे नॉट जे एस हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है तो हमें पता है कि इम्पोर्ट क्या होता है। कोई ज़रा सा आप में खड़ा होकर बता दे कि यार क्या इम्पोर्ट से क्या समझ रहे हैं आप, व्हाट इज़ इम्पोर्ट। सर बेसिकली हम इम्पोर्ट से ना क्या कर रहे हैं, हमारे पैकेज के अंदर रिएक्ट का एक पैकेज पड़ा हुआ है, हमारी पैकेज डॉट जेएस के अंदर हम उसको अपनी फाइल के अंदर एम्बेड कर रहे हैं। हाँ भाई सही कह रहे हैं, ये बड़ी टेक्निकल मोटी मोटी टर्म मारी है इन्होंने, एम्बेड कर रहे हैं पैकेज। पैकेज क्या होता है, अच्छा भाई हाँ भाई, और लोगों को क्या लगता है इम्पोर्ट, ज़रा हम पढ़ चुके हैं ना इम्पोर्ट, हम नॉट जे एस में एक्सप्रेस का सर्वर जब हम बना रहे थे तो हमने नॉट जे एस में ये पढ़ा था सारा। तो इम्पोर्ट जो है वो क्या करता है, कौन बताएगा। नहीं इम्पोर्ट हम यूज़ करते ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, अच्छा आसान अल्फाज में ये है इम्पोर्ट कि हम जब भी कोई फाइल हमारे पास होती है जावास्क्रिप्ट की और उसमें हम चाहते हैं कि कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करें, कोई लाइब्रेरी हम उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस लाइब्रेरी को हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है उस फाइल के अंदर। ठीक है जब तक उस लाइब्रेरी को हम इम्पोर्ट नहीं करते वो मुझे नहीं मिल पाती है। इससे पहले क्या होता था, जो ES5 या फ्रंट एंड के ऊपर आमतौर पर जो, क्योंकि नॉट जे एस में तो शुरू से यही रहा है लेकिन रिएक्ट जो है वो फ्रंट एंड, ये याद रखें रिएक्ट जो है वो नॉट जे एस नहीं है,
हमने शुरू में ये बात डिस्कस की थी जब जावास्क्रिप्ट हम शुरू कर रहे थे कि जो जावास्क्रिप्ट की डेवलपमेंट है वो 2009 में अपार्ट हो गई थी. बैकएंड की जावास्क्रिप्ट अलग चल रही थी, फ्रंट एंड की अलग चल रही थी. एम जे एस लिख सकते हैं इसमें, नहीं एम जे एस भी लिख सकते हैं लेकिन इसमें हाँ इम्पोर्ट हम इसमें कर सकते हैं, इम्पोर्ट हम इसमें फिर भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा वो अभी हम देखते हैं वो कैसे होता है. वो असल में एक टूल इन्होंने लगाया होता है अंदर बैबल. हम जो भी ई एस सिक्स लिखते हैं वो ई एस फाइव में कन्वर्ट करके चलाता था पहले. अभी मुझे नहीं पता, अब तो ई एस सिक्स हो गई है फ्रंट एंड पे. अब क्या करता है वो, वेल स्टिल वो इसको ट्रांसलेट तो करता ही है. ठीक है, जो टेक्निकल जिनको पता है उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी लोग इस बात को इग्नोर करें. वो टेक अभी भी ट्रांसलेशन तो करता ही है. ट्रांसलेशन इसलिए करता है कि जावास्क्रिप्ट की जितनी अलग अलग फाइलें हैं ना उन सबको मर्ज करके वो एक सिंगल फाइल बनाता है. तो वो सिंगल फाइल बनाते हुए उसको वो ई एस फाइव में भी कन्वर्ट करता है साथ साथ. अब लेकिन वो अब क्या करता है, वो ई एस सिक्स करता है, ई एस फाइव. ई एस सिक्स के भी पाँच छः अलग अलग है ना, हर साल अलग अलग आया है. 2015 में आया है, फिर 16 में आया है, कुछ चीज़ें ऐड होती गई हैं साथ साथ. तो ये वाला चक्कर है. वेल ये तो ज़रा इन डेप्थ चले गए हम. तो इम्पोर्ट जो है ना, हम किसी भी लाइब्रेरी को जब इंक्लूड करना होता है तो इम्पोर्ट चलाते हैं. हाँ तो बता रहा है मैं क्या था कि ई एस फाइव में ये काम कैसे होता था. इम्पोर्ट की जगह ई एस फाइव में क्या लगाया जाता था फ्रंट एंड में. अच्छा अब बाय द वे फ्रंट एंड जो जावास्क्रिप्ट है ना उसमें भी इम्पोर्ट का सिंटेक्स काम करता है. फ्रंट एंड जो जावास्क्रिप्ट है ना उसमें भी इम्पोर्ट का सिंटेक्स चलता है, लेकिन एम जी एस करना पड़ता है उसमें जब चलता है. फ्रंट एंड में क्या लगता था इम्पोर्ट की जगह ई एस फाइव में, कौन बताएगा? रिक्वायर तो कभी भी फ्रंट एंड में नहीं लगा. सीडीएन नहीं, करीब करीब तुमने बात की लेकिन जवाब तुम्हारा भी गलत है. सीडीएन नहीं, स्क्रिप्ट का टैग लगता था. ठीक है, स्क्रिप्ट के टैग में सीडीएन दे दो या फाइल का पाथ दे दो लोकल. जो फ्रंट एंड की जो जावास्क्रिप्ट थी हमारी, जो फ्रंट एंड की जो जावास्क्रिप्ट थी, जो एचटीएमएल के साथ, अगर मैंने HTML के पेज में हमने एक्जियोस की लाइब्रेरी इस्तेमाल की थी ना, कैसे की थी इस्तेमाल? स्क्रिप्ट का टैग लगाया था उसका हमने, स्क्रिप्ट का टैग लगा के उसमें CDN दिया हुआ था. नहीं देते तो हम उसको डाउनलोड करके पाथ दे देते उसका. तो वो स्क्रिप्ट के टैग के जरिए जो काम होता था ना, अब वो इम्पोर्ट के जरिए होता है नए वाली जावास्क्रिप्ट के अंदर. ठीक है. अच्छा रिएक्ट में उन्होंने थोड़ा जुगाड़ बुगाड़ करके वो ES5 के ज़माने से ही ये काम उन्होंने अलाउ कर दिया था. लेकिन वो क्या करते थे, अंदर एक टूल लगाया हुआ था बेबल, वो इसको ट्रांसलेट कर देता था. लिखते हम ES6 में थे नए वाले में, और ट्रांसलेट करके पुराने वाले में कन्वर्ट करता था. तो यहाँ पे इन्होंने यही वाली बात की हुई है कि यार ES6 के अंदर ना लाइब्रेरीज आर नॉट ग्लोबली अवेलेबल, दे नीड टू बी इम्पोर्टेड. अब एक्जियोस के में मसला एक पता है क्या है, एक्जियोस जो हमने इम्पोर्ट किया था स्क्रिप्ट का टैग लगा के, उसमें मसला ये है कि हम जब उसका स्क्रिप्ट लगाते हैं तो उसमें कुछ ग्लोबल फंक्शंस है ना. नंबर एक ग्लोबल फंक्शन है एक्जियोस डॉट गेट, और उसको हम कॉल करते हैं. अब इमेजिन करो कि अगर मैंने अपनी फाइल में कोई वेरिएबल बना दिया एक्जियोस के नाम से, तो क्या होगा? उस फाइल से भी एक वेरिएबल आ रहा है, यहाँ से भी एक वेरिएबल जा रहा है. अब वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट होगा और कोई एक वेरिएबल मिस हो जाएगा, या तो मेरा वाला ओवरराइट हो जाएगा या तो उसका ओवरराइट हो जाएगा. जो पहले लिखा हुआ होगा वो ओवरराइट हो जाएगा, जो बाद में लिखा हुआ होगा वो मुझे मिल जाएगा. तो ये एक मसला है. उसके अलावा ये कि अगर मैंने 200 लाइब्रेरीज ऐड कर ली अपने पास, तो अब किस लाइब्रेरी से कौन सा फंक्शन आ रहा है मुझे तो पता ही नहीं लगेगा. कुछ फंक्शन के नाम ऐसे होते हैं जो दो चार लाइब्रेरी में वो एक जैसे नाम होते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला. मिसाल के तौर पे मेरे पास 200 स्क्रिप्ट के टैग लगे हुए हैं मेरी HTML की फाइल पे. अब एक्जियोस डॉट गेट कौन से वाले में से आ रहा है मुझे क्या पता, कैसे पता चलेगा. तो अच्छा एक्जियोस तो चलो वो नाम ऐसा है ना कि उसके CDN में भी एक्जियोस है और इसमें फंक्शन में नाम में भी एक्जियोस है, तो चलो फिर भी बंदा आइडिया लगा लेगा, गैस कर लेगा. लेकिन हमेशा ऐसा केस नहीं होता है, तो वो मुझे पता ही नहीं लगेगा. जैसे एक math.js करके लाइब्रेरी है, math.js में एक फंक्शन है sqrt, स्क्वायर रूट निकालने के लिए. अब sqrt आप डायरेक्ट लिखते हो, आप math.sqrt थोड़ी लिखते हो, डायरेक्ट अब sqrt आप कैसे गैस करोगे कि कौन से स्क्रिप्ट के टैग में से आ रहा है. तो ये वाला मसला है, ये मसला है ना, हल हो गया इसके अंदर. ठीक है,
अब वो इसमें यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कचरा हो गया इतना पूरा ऊपर ना, स्क्रिप्ट का टैग तो आसान था कि एक कोने में लगा हुआ होता था, ये तो हर फाइल के ऊपर जो चाहिए होगा अलग अलग फाइलों में हर में इम्पोर्ट करना पड़ता है, ये एक का दूसरे में भी नहीं चलता इम्पोर्ट। अच्छा उसके बाद जो लिखा हुआ है वो हाई का कंपोनेंट लिखा हुआ है। हाई का जो कंपोनेंट है ये एक सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, राइट। फंक्शन का नाम है हाई और फंक्शन की बॉडी है और उसमें एक रिटर्न करके लिखा हुआ है। रिटर्न सब लोगों को पता है क्या होता है, फंक्शन हमने जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे पढ़ा है। रिटर्न वैल्यू भी सब लोगों को पता है कि जी फंक्शन जब कॉल होता है, ये फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ है, ये बना है सिर्फ अभी, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो कॉल कैसे होगा, ये इसका नाम लिखा हुआ होगा हाय और उसके आगे कॉल सिग्नेचर होगा। कॉल सिग्नेचर मतलब गोल ब्रैकेट ओपन और गोल ब्रैकेट क्लोज, उसको कॉल सिग्नेचर कहते हैं। तो जब हाय लिखूंगा मैं और साथ में कॉल सिग्नेचर लगाऊंगा तो वो जहाँ पे वो लिखी हुई होगी ना बात, वो खुद हट जाएगी और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, रिटर्न वैल्यू आके खड़ी हो जाएगी उसकी जगह पर। इसको हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू किसी भी फंक्शन का। अच्छा तो कह रहे हैं कि राइट अंडर द इम्पोर्ट फंक्शन देयर इज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड हाई, दिस इज रियली ट्रूली प्लेन जावा स्क्रिप्ट, इन फैक्ट एवरी थिंग इन दिस फाइल इंक्लूडिंग द वर्ड रिटर्न इज अ प्लेन जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स। कह रहे हैं कि भाई इसके में इस फाइल में जो भी कुछ लिखा हुआ है ना वो सभी जावा स्क्रिप्ट है, इसमें कोई भी चीज़ जो है ना रिएक्ट स्पेसिफिक है ही नहीं। मतलब इसने इसको जे एस एक्स को भी इसमें शामिल कर दिया कि जे एस एक्स भी क्या है, वो प्लेन जावा स्क्रिप्ट ही है असल में। वट मेक्स अ फंक्शन अ कंपोनेंट, कह रहे कि ये तो फंक्शन है अब इसको कंपोनेंट क्यों बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि द फैक्ट दैट इट रिटर्न समथिंग दैट रिएक्ट कैन अंडरस्टैंड, ये वाली जो बात लिखी हुई है ना, डिव ओपन है और उसके बाद हेलो वर्ल्ड है और उसके बाद डिव क्लोज है, दिस सिंटैक्स इज कॉल्ड जे एस एक्स, ये जे एस एक्स है, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं कि रिएक्ट जो है ना आपके फंक्शन को कॉल करता है और रिएक्ट क्या करता है, जाहिर है जब फंक्शन को कॉल करेगा तो रिटर्न वैल्यू मिलेगी उसको, रिटर्न वैल्यू में मिल जाएगा उसको जे एस एक्स। तो रिएक्ट आपके इस फंक्शन को कॉल करता है और इस रिटर्न वैल्यू को हासिल करता है और हासिल करने के बाद क्या करता है, उसको स्क्रीन पर रेंडर करवा देता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि रिएक्ट कॉल्स द फंक्शन गेट द जे एस एक्स एंड रेंडर द इक्वेलेंट एच टी एम एल टू द डॉम। अच्छा अब यहाँ पे दो बातें नोट करने वाली हैं। नंबर एक बात तो ये कि ये वाला पार्ट ना एच टी एम एल लग रहा है वैसे तो देखने में, अभी इसको जे एस एक्स क्यों कह रहे हैं, ठीक है। और वट मेक्स जे एस एक्स डिफरेंट देन एच टी एम एल, नोटिस हाउ जे एस एक्स इज नॉट अ स्ट्रिंग। कह रहा है कि ये ना स्ट्रिंग नहीं है, इसमें अगर स्ट्रिंग होता तो क्या होता, डबल कोटेशन लगा हुआ होता या सिंगल कोटेशन लगा हुआ होता शुरू में, क्योंकि हम जब एच टी एम एल के टाइम पे हम इनर एच टी एम एल करके जो एच टी एम एल अंदर बाहर करते थे उसमें क्या होता था, स्ट्रिंग वर्जन होता था, डॉट इनर एच टी एम एल करके स्ट्रिंग बना के डालते थे पूरे एच टी एम एल को। कह रहा है ये वो नहीं है, रिएक्ट इज नॉट टर्निंग दीज थिंग्स डायरेक्टली टू स्ट्रिंग ईदर। कह रहा है रिएक्ट भी इसको स्ट्रिंग वगैरह में कन्वर्ट नहीं करेगा, रिएक्ट इसको इसी तरह कुछ करेगा इसके साथ। अच्छा बिफोर रिएक्ट रन्स देयर इज एन एक्स्ट्रा स्टेप दैट कोड गोज थ्रू कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट इनटू फंक्शन कॉल, ये जे एस एक्स इंटू फंक्शन कॉल। कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ना ये वाला, ये इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें भला, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा समथिंग लाइक दैट, ये वाली इस तरह की कुछ लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब ये वाली लाइन देख के कौन मुझे बताएगा कि क्या समझ आ रहा है, ये वाली लाइन देख के कुछ याद आ रहा है, जावास्क्रिप्ट आप सब लोगों को आती है, ठीक है। डॉम के अंदर एक फंक्शन, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको डॉम नहीं पता, कितने लोग ऐसे हैं जिनको डॉम नहीं पता है, आपको नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अच्छा जो जब हम एच टी एम एल पढ़ रहे होते हैं ना, नॉर्मल प्लेन एच टी एम एल जब पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जब किसी फॉर्म से वैल्यू उठानी होती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी करते हैं, तो हम वो पूरा एलिमेंट हमारे पास उठ के आ जाता है, फिर डॉट करके उस पर वैल्यू लगाते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है। तो ये जो फंक्शन है ना गेट एलिमेंट बाई आई डी, ये डॉम का फंक्शन है, ठीक है। डॉम जो डॉक्यूमेंट डॉट है ना, डॉक्यूमेंट को ही हम असल में डॉम कहते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि जी वो डॉक्यूमेंट पर डॉट करके क्या क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डॉम। अच्छा फिर एक तो हो गया ये गेट एलिमेंट,
गेट एलिमेंट के वो तीन चार फंक्शन है, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई आईडी। फिर इसके अलावा क्या है कि क्रिएट एलिमेंट का भी फंक्शन होता है इसमें, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, एक नया एलिमेंट क्रिएट करता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये भी एक डॉम का फंक्शन है। अब क्रिएट एलिमेंट के अलावा अपेंड का भी है कि पहले से कोई एलिमेंट आपके पास है उसको आप स्क्रीन पे अपेंड कराना चाह रहे हैं। तो इस तरह के बंच ऑफ फंक्शंस हैं एंड दोज फंक्शंस आर कॉल्ड डॉम फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप नोट करें कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट नहीं है, ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ये है कि रिएक्ट जो है वो HTML वाला जो या जावास्क्रिप्ट का जो अपना डॉम है जो उसको इस्तेमाल ये नहीं करता। इसका मतलब है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करने से स्क्रीन पे डायरेक्ट एलिमेंट रेंडर नहीं होगा, ठीक है। रिएक्ट ने कुछ अपना डॉम बनाया हुआ है, कुछ अपनी सेटिंग की हुई है, उस डॉम पे रेंडर होगा इसको करने से, स्क्रीन पे रेंडर अभी नहीं होगा ये। अच्छा, पैरामीटर्स के बिल्कुल वैसे ही है, पहले पे वो जो क्रिएट एलिमेंट है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये बिल्कुल वही पैरामीटर है कि पहले पे नाम एलिमेंट का नाम क्या होगा, दूसरे में उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं गालबन, और तीसरे में जो है ना उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा वो होता है। तो ये तीनों पैरामीटर वही सेम पैरामीटर हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई दिस ऑल हैपन्स बिहाइंड द सीन, बेबल इज द टूल दैट ट्रांसफॉर्म दिस। कह रहा है बेबल करके टूल है जो इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करता है, जब उसको ये दिखता है ना बेबल को, तो वो ये वाला काम कर देता है। अच्छा, वो कैसे करता है बेबल ये काम, बेबल को कैसे पता चलता है कि यार इसको इसको कैसे कन्वर्ट करना है? नहीं, मतलब ऐसी मैं एक जनरल जनरल नॉलेज का सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है तुम्हें कि बेबल को, बेबल इसको कैसे कन्वर्ट करता होगा? ये जनरल नॉलेज का सवाल है, मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये असल में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, जब वो कंपाइलर उसको जब रीड करता है जब, तो उसकी टोकनाइजेशन करता है, ठीक है, ब्रैकेट से ब्रैकेट को मैच करता है। और ये शुरू से जब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन रही है ना, जब से जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट होता है उसमें ये चीज़ पढ़ानी चाहिए, पढ़ाते नहीं है कि जो है ना जब वो HTML भी जब रीड होता है एक्चुअली, तो वो कैसे रीड होता है, वो उसकी टोकनाइजेशन करता है कि जी वो हेड थे तो हेड से हेड को बॉडी को मैच करते हैं, उसके दरमियान का जब उसको अंदर डालते हैं तो पूरे कोड को रीड करते हैं वो। तो वो असल में वही अप्रोच है जो कंपाइलर वाली अप्रोच है ये, जिसके ज़रिए वो क्या करता है इस पूरे को JSX को उठाता है एक साथ, और उसकी वो टोकनाइजेशन करके मोस्ट प्रॉब्ली कुछ इस तरह का करता होगा। अच्छा, फिर उसको वो जो डिव पता चल गया, उसको डिव से डिव का ये मिला लिया उसने, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, फिर बीच वाले आइटम को अलग किया। तो ये बच्चों से लिखवाते भी हैं कुछ, जो जहाँ पे कहीं पे थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है ना जहाँ, तो वहाँ पे ये टोकनाइजेशन का कोड जो है एटलीस्ट बच्चों से लिखवाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। टोकनाइजेशन का कोड इतना आसान है कि आप भी लिख सकते हैं बगैर किसी उसके, ठीक है। तो ये मैंने आपके मतलब नॉलेज के लिए बताई है। इवन आप लोग ऑन द टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना बहुत आसान है। ये जो जावास्क्रिप्ट बनी हुई है ये भी ऑन द टॉप ऑफ सी लैंग्वेज बनी हुई है, हाँ। लेकिन वंस आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना लेते हैं ना, तो उसको यूज़ कौन करेगा, उसकी जो यूनिकनेस है वो क्या है, मतलब कोई ऐसा मसला था जो जावास्क्रिप्ट में था आपने हल कर दिया, फिर उसकी अडॉप्शन होती है, फिर मतलब जावास्क्रिप्ट की जो अडॉप्शन है इस वक्त वो बिलियंस में है, ठीक है। बिलियंस ऑफ डिवाइसेस और बिलियंस ऑफ सिस्टम्स हैं जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट चल रही है, तो वो इतने मास अडॉप्शन में जाहिर है फिर वो टाइम लगता है। तो इसलिए हर कोई, मतलब दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि हर बंदा अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता रहे, हाँ। लेकिन किसी को अगर शौक है अपने इंटरेस्ट के लिए तो कभी एक आध बना के ट्राई भी कर सकते हो, सही है, अपने खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास फिर चॉइस होगी कि फॉर का लूप आप कैसे चाहेंगे तो वैसे चलेगा, सही है। आप मिसाल के तौर पर चाहते हैं कि जो पहला वाला पार्ट होता है ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो आप उसका सीक्वेंस चाहते हैं, नहीं यार ये पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी खुद की लैंग्वेज है, ठीक है। अब वो चलेगी कैसे, कहाँ चलेगी, ये भी चीज़ें आप खुद डिसाइड करेंगे। वेल, तो बड़ा आपके पास जो है ना वो आ जाता है फिर। अच्छा, तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करने से क्या हो गया कि ये वाला जो एलिमेंट था, यानी ये जो डिव था, इसके इक्वेलेंट जो डिव है वो कहाँ बन गया है, रिएक्ट के डॉम के ऊपर बन गया है। अभी तक ये स्क्रीन पर रेंडर नहीं हुआ है, अभी तक ये स्क्रीन पर रेंडर नहीं हुआ। अगर हम ये प्लेन HTML से काम करते तो हम क्या बोलते, हम बोलते डॉक्यूमेंट डॉट
क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पे डिव लिखते हैं और सेम इसी तरह पैरामीटर देते हैं उसको. तो ऐसा करने से क्या होता, डायरेक्ट ये स्क्रीन पे चीज़ बनती एक्चुअली. ठीक है, अभी समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो तो ज़ाहिर नहीं आती अपेंड जब तक नहीं करूँगा मैं, लेकिन ये लिखने से क्या होता है डायरेक्ट स्क्रीन पर बनती. लेकिन अभी ये डायरेक्ट स्क्रीन पर नहीं बनी है. अच्छा अब आगे आ जाओ, रेंडरिंग का पार्ट आ गया तीसरा. द लास्ट लाइन इज वट मेक्स इट ऑल वर्क. कह रहे जो लास्ट लाइन है ना वो सारा काम उससे होता है. अच्छा, इट इंस्ट्रक्ट रिएक्ट टू कॉल द हाई फंक्शन, गेट द रिटर्न जे एस एक्स एंड इंसर्ट इन द कोरेस्पॉन्डिंग एच टी एम एल एलिमेंट इन टू द डॉक्यूमेंट अंडर द एलिमेंट आई डी रूट. इसने बोला भाई कि देखें अब इसको आप समझें क्या हो रहा है, बल्कि इसको ये वाली जो लाइन है ना इसको बेबल कन्वर्ट करता है ऐसे और इसको चलाता है. तो हम इस नीचे वाले को समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा. देखो क्या हो रहा है, अब एक फंक्शन कॉल है यहाँ पे, ये कॉल सिग्नेचर यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है. ये इसके ये दो पैरामीटर्स हैं. ठीक है, गौर से देखो, इसके ये दो पैरामीटर्स हैं. ठीक है, ये एक फंक्शन कॉल है. अच्छा, ये फंक्शन कॉल क्या है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर. अब रिएक्ट का एक डॉम है खुद का, जो कि स्क्रीन पर भी नहीं दिखता मुझे. स्क्रीन पर तो मेरा एच टी एम एल वाला डॉम दिखता है. नहीं, इन्होंने इसका नाम रखा है वर्चुअल डॉम. इन्होंने इसके बड़े फजाइल बयान किए हैं वो, कि भाई इतना अच्छा है, पता नहीं कितना अच्छा है. बहरहाल जो है अभी तो फ़िलहाल वही है. ठीक है, अभी इसके क्या इसके फ़वाद हैं वो अभी मैटर नहीं करता, लेकिन इन्होंने अपना बनाया हुआ. बहरहाल इस चीज़ को फैक्ट को मान लो अभी. ठीक है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर. अच्छा, अब हमारे केस में जो प्लेन एच टी एम एल में होता था ना, उसमें हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करने के बाद ना वो एलिमेंट बन के मेरे वेरिएबल में आ जाता है. तो उसको मैं डॉट अपेंड कराता हूँ. मैं कहता हूँ यार फला डिव गेट करो, उसमें अपेंड कर दो, तो वो अपेंड करते ही दिख जाता है मुझे. यहाँ पे भी इन्होंने ना कुछ सिमिलर काम किया हुआ है कि रिएक्ट डॉम के ऊपर यहाँ पे जो उसने किया था ना क्रिएट एलिमेंट, कहाँ गया ये रहा क्रिएट एलिमेंट. तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करने से एलिमेंट बना है जस्ट. अब उसको इसने बोला कि यार अब रेंडर कर दो, रेंडर कर दो यहाँ पे. अच्छा, रेंडर करने में जो पहला पैरामीटर है वो क्या है, गौर से देखें आप, ये क्या है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का वही फंक्शन है जो पहले लिखा था हमने. ठीक है, और उसमें हाई करके यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है. हाँ, अब इससे क्या रिटर्न होगा, इस फंक्शन के कॉल से क्या रिटर्न होगा, जे एस एक्स रिटर्न होगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इस फंक्शन को पहला पैरामीटर जो चाहिए वो क्या चाहिए, जे एस एक्स एक. अच्छा, दूसरा पैरामीटर क्या चाहिए इसको, किसी डिव का एड्रेस. ठीक है, इन्होंने बोला कि यार रूट के नाम से एक होगा, एक आईडी होगी, डॉक्यूमेंट डॉट. अब देखो यहाँ पे प्लेन जावास्क्रिप्ट वाला ही लगा हुआ है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर. क्वेरी सेलेक्टर या गेट एलिमेंट बाय आईडी एक ही चीज़ है. ठीक है, अभी ज़रा आजकल क्वेरी सेलेक्टर लोग लगाने लग गए, पहले गेट एलिमेंट बाय आईडी ज़्यादा लगाते थे. तो गेट एलिमेंट बाय आईडी करके और एक आईडी का एलिमेंट उठा लिया, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक एलिमेंट दिया. अब ये करेगा क्या, ये जो एलिमेंट है ना इसके अंदर जाएगा और अपेंड कर देगा ये वाली चीज़, यानी उस जे एस एक्स के इक्वेलेंट जो एच टी एम एल बनता है वो रेंडर कर देगा जाके. ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स में काम हो रहा है, इम्पोर्ट हुआ, कंपोनेंट बना, रेंडर हो गया. पहली दफ़ा में शायद थोड़ा मुश्किल भी लग रहा हो कि यार ये क्या हो रहा है, पता नहीं, सीधा सीधा काम था, डिव लिखते थे, एच टी एम एल लिखते थे, उसके अंदर हाथ से जो भी लिखना होता था लिख देते थे, तो ये क्या हो रहा है. ठीक है, जैसा कि इन्होंने शुरू में जिक्र किया था कि रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है, और वो किस चीज़ के लिए बनाई गई है, इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है. ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन के चक्कर में ये सारा हो रहा है झोल झाल. सही है. अच्छा, अब कह रहा है कि दो चीज़ों का फैक्ट समझ लें आप, कि दिस कोड इज़ प्योर जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अगर कुछ चीज़ जेएसएक्स, अगर वो जावास्क्रिप्ट नहीं है ना, जेएसएक्स है, तो वो भी कन्वर्ट होगी जावास्क्रिप्ट में ही, और वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होके ही चलेगी. ठीक है, जेएसएक्स इटसेल्फ डायरेक्ट नहीं चलेगी. अच्छा, यू डोंट कॉल योर ओन कंपोनेंट, रिएक्ट डज. कंपोनेंट के नाम का जो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये इसने बात की ना कि यार ये तो एक सिंपल फंक्शन है, इसको कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं, तो ये जे एस एक्स रिटर्न करता है इसलिए हम इसको कंपोनेंट कह रहे हैं. तो इस फंक्शन के बारे में ही मज़ीद बात हो रही है कि इस फंक्शन को आप खुद से कॉल कभी भी नहीं करेंगे, इस फंक्शन को हमेशा आप रिएक्ट को पकड़ाएंगे कि बच्चा ये लो आप इसको खुद कॉल करो. ठीक है, इसको हमेशा रिएक्ट खुद कॉल करेगा, इसको हम कभी भी कॉल नहीं करेंगे. ठीक है, तो हम आ जाते हैं जी, अब योर टर्न.
योर टर्न वाला भी आई होप कि जिन लोगों ने बना लिया हेलो वर्ल्ड उन्होंने ये काम भी कर लिया होगा योर टर्न वाला, लेकिन हम ये करके देखते हैं ज़रा। कह रहे हैं कि यार नाउ यू हैव अ प्रोजेक्ट इन प्लेस, यू कैन प्ले अराउंड। आपके पास प्रोजेक्ट आ गया छोटा सा, इसके साथ आप करो जो करना है, खेलो थोड़ा सा। मेक श्योर टू ट्राई दीज एक्सरसाइज इवन इट सीम्स रियली सिंपल। अगर आपको बावजूद इसके कि बहुत सिंपल फील हो रहा है, लेकिन आप प्रूव करें, प्रूव इट टू योर सेल्फ बाई टाइपिंग इट आउट एंड सी द रिजल्ट। नंबर एक, चेंज द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड टू से हेलो और उसके आगे आपका नाम। आ जाओ भाई, करते हैं ये। इस साइड वाले को बंद कर देते हैं ताकि स्क्रीन हमारे पास, ठीक है, ये क्लिक करने से खुल बंद होता है। अच्छा, हेलो वर्ल्ड के आगे हेलो हटा के मैंने यहाँ पे ऐसे ही मलिक लिख दिया। जैसे ही यहाँ चेंज करते हैं सामने रिजल्ट दिख जाता है मुझे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हेलो के बाद ये नाम लिख दिया अपना। अच्छा, हो गया जी पहला, अगले पे आ जाओ। बोल्ड योर नेम बाई रैपिंग इन स्ट्रॉन्ग टैग, इट वर्क्स जस्ट लाइक HTML। अच्छा भाई, ये वाला किस किस ने कर लिया है, स्ट्रॉन्ग के टैग में इसको रैप करके देखा है किसी ने? किससे नहीं हो रहा था? अच्छा, पार्शल बोला है, पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं। पार्शल बोल्ड योर नेम, अच्छा कह रहा है आपका नाम सिर्फ। हाँ तो आ जाओ, इसका नाम कर देते हैं सिर्फ, इसको हटा दो यहाँ से। अच्छा, तो सिर्फ मलिक पे करते हैं ना। स्ट्रॉन्ग और ऐसे ही कर रहे थे ना। अरे ये क्या किया, ठीक है, हेलो और मलिक, नाम बोल्ड हो गया भाई, सही है। ऐसे ही किया था। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आज वो भी करते हैं, मसला नहीं। अच्छा, इनसाइड द डिव अंडर योर नेम एड सम अदर HTML एलिमेंट्स, हेडिंग, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। कह रहा है इनसाइड द डिव और अंडर योर नेम, आपके नाम के यहाँ पे नीचे कुछ और हेडिंग मजीद लगा दें, कुछ HTML के कुछ जो टैग्स होते हैं वो लगा दें। तो मैंने कहा कि जी H1, सही है, और H1 लिख के मैंने कहा कि सम हेडिंग आ गई। H1 के नीचे मैं एक लगा देता हूँ UL, ठीक है। ये वो सारे HTML के टैग्स हैं जो हम पहले से इस्तेमाल करना जानते हैं। मैंने कहा कि जी LI, सही है। तीन चार आइटम यहाँ पे मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लगा दिए। और क्या बोला इसने, हेडिंग, ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट। और भी हम यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं, कोई इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं यहाँ पे, कोई भी HTML हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी HTML का टैग पहले से मौजूद है। नहीं, ये तो जस्ट एक प्ले ग्राउंड है ना, अगर तुम कह रहे हो उसको मैं JSX कर दूँ, अगर रेंडर नहीं कर रहा ना, ये प्ले ग्राउंड है असल में। इसमें ये VS कोड में जब हम करेंगे तो फिर होपफुली हम इन चीज़ों को टारगेट करेंगे। हाँ, अभी तो देखो हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं ना, अब अभी वो JS और JSX के चक्कर में अभी नहीं पड़ोगे आप। हेलो वर्ल्ड ज़रा अभी हम चला लें, आर्टिकल में जो कह रहे हैं ना उसको ज़रा हम आगे तक चला लें और फिर उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा,
अब ये कह रहा है कि यार आई मेंशन यू दैट यू कैन पुट रियल जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड जेएसएक्स। जेएसएक्स के बारे में उसने ये बात बताई थी कि यार उसमें ना रियल जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि जेएसएक्स तो उसके दरमियान में जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिखा जा सकता है, यानी कि ऐसा कोड जिसमें कोई लॉजिक हो, जिसमें कोई वेरिएबल की वैल्यू दिख रही हो। तो कह रहा है कि आप क्या करोगे डिव के अंदर ना, ऐसे करके अगर आप कोई बात लिखोगे, एक्सप्रेशन आप लिखोगे अगर कोई, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और दरमियान में कोई एक्सप्रेशन लिखोगे आप, तो इसको इस ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज के दरमियान की चीज़ को ये एज अ जावास्क्रिप्ट ट्रीट करेगा और इसको जावास्क्रिप्ट के तौर पे एक सिंगल वैल्यू पे इवेल्यूएट करके ना उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक सिंगल वैल्यू पे इवेल्यूएट होंगे 15, और 15 वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो आओ करके देखते हैं। ये मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बोला एक आइटम फोर तक ये किया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे लाके मैंने क्या बोल दिया उसको कि 5 + 10 जो उन्होंने लिखा था ना वही। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, ये इवेल्यूएट होगा एज अ जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे 15 लिखा हुआ जाएगा, तो एबीसी आइटम 15 प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एबीसी आइटम देखो 15 प्रिंट हो गया। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि ये कि अगर फंक्शन यहाँ पे मेरा कोई वेरिएबल अगर होता, मैंने कहा कि लेट आइटम नंबर इक्वल्स 23, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, तो ये आइटम नंबर जो है ना मैं यहाँ पर इसको ऐसे करके जब मैं लिखूँगा ना, आइटम नंबर को मैं डायरेक्ट भी ऐसे प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके इस कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के दरमियान में जो भी चीज़ है उसको ये एज अ जावास्क्रिप्ट कंसिडर करेगा। जी ए प्लस प्लस हाँ, तो जो जावास्क्रिप्ट में होता है वही होगा। तुम बताओ जावास्क्रिप्ट में क्या होगा। अच्छा चलो, ये लो प्लस प्लस लगा दिया अभी, बस 24 आएगा यहाँ पे। देखो जो जावास्क्रिप्ट में होता है ना वही होगा। जावास्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए इसमें आइडियली, ऐसे नहीं ना यार, जो वो तो रिजल्ट बता दिया ना तुमने, होगा क्या ये तो बताओ। वैल्यू रिटर्न पहले कर देगा, इंक्रीमेंट बाद में करेगा, ये होगा ना जावास्क्रिप्ट में। तो रिटर्न जब पहले कर देगा तो जो एक्चुअल वैल्यू है वही दिखेगी मुझे, और यहाँ पे मुझे वही दिख रही है 23। अगर मैं पहले लगा दूंगा तो ये ना वो पहले इंक्रीमेंट करेगा और बाद में रिटर्न करेगा, 24 हो गया। सर ये पहले भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है कोर्स के अंदर, कैसे कर रहा है पहले, कहाँ कर रहा है यार। सही है ना, पोस्ट में 23 दिख रहा है और प्री तुम CLI वाले पे करा रहे हो, किस पे करा रहे हो। VS कोड पे यार पता नहीं हो सकता है कुछ चक्कर हो। अबे वो डबल रेंडर वाला इशू है मेरा भाई, डबल रेंडर वाला चक्कर है। और दूसरी बात ये जो देखो अभी हेलो वर्ल्ड है ना, अभी मैंने वेरिएबल इस तरह बनाया है, ठीक है, वेरिएबल इस तरह इसमें बनते भी हैं, लेकिन वेरिएबल बनाने के इसमें और भी तरीके हैं। ठीक है, तो वेल तो हमने ये देखा कि यार कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज के दरमियान में क्या होगा, जो भी कुछ होगा उसको एज अ जावास्क्रिप्ट इसमें ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, अब अगला देखते हैं इसने क्या बात की है। वॉन्ट टू स्टाइल विथ CSS इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लास प्रॉपर्टी यू वुड इन HTML यूज क्लास नेम। कह रहा है HTML के अंदर हम लिखते थे क्लास, इसमें हम लिखेंगे क्लास नेम। ठीक है, और क्लास नेम करके कोई भी मैं इसके अंदर लगा दूंगा क्लास। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ये जो लिस्ट आइटम्स है ना, इनको मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके फ्लैक्स बॉक्स बना दूँ उसको। मैंने कहा कि क्लास नेम इक्वल्स टू, और मैंने कहा कि माई लिस्ट, ठीक है, माई लिस्ट कर दिया मैंने उसको। अब मैं असल में चाहता ही हूँ कि ये जो लिस्ट ऐसे बनी भी आ रही है ना टॉप टू बॉटम, ये क्या हो जाए, एक लाइन में दो दो लिस्ट बनी भी आ जाए।
मतलब एक लाइन में दो दो आइटम आ जाए। मिसाल के तौर पे क्या हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि आइटम वन एक इधर हो, उसके पड़ोस में एक आइटम वन इधर हो, फिर उसके नीचे आइटम थ्री हो, फिर आइटम फोर हो, फिर आइटम फाइव हो, फिर आइटम सिक्स हो, ऐसे करके हो। ठीक है, ये करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, इसको डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे ही करूँगा मैं, तो ये पूरा का पूरा एक लाइन में हो जाएगा। ऐसा ही है ना, हम CSS में ये देख चुके हैं फ्लैक्स बॉक्स में। तो मैंने क्लास नेम तो लगा दिया, लेकिन अब मैं ये CSS लिखूँगा तो लिखूंगा कहाँ? ठीक है, तो वो भी बता रहा है ये, क्रिएट अ फाइल इंडेक्स डॉट सी एस एस। इंडेक्स डॉट सी एस एस के नाम से मैं एक फाइल बना लूँगा, और उसके बाद उस फाइल को क्या कर लूँगा, मैं इम्पोर्ट कर लूँगा। अगेन आपने देखा यहाँ पे कि जावा स्क्रिप्ट पहले हम बनाते थे अलग फाइल, तो स्क्रिप्ट के टैग से उसको लगाते थे, और CSS की फाइल बनाते थे उसको स्टाइल का टैग लगाते थे ES5 में। लेकिन ES6 में हम CSS की फाइल भी जब बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं। तो आ जाओ ज़रा एक फाइल हम बना लेते हैं। अच्छा, स्टाइल्स डॉट CSS के नाम से एक बनी हुई है फाइल, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ताकि मैं अपने हाथ से फाइल बनाने का एक्सपीरियंस ले सकूँ। न्यू फाइल, ये छोटा सा बटन है यहाँ पे न्यू फाइल का, और स्टाइल इंडेक्स डॉट CSS उसने बोला था, चलो इंडेक्स डॉट CSS बना देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स डॉट CSS बना दिया। अच्छा, इसको SRC के अंदर बनाना था, मैंने बाहर बना दिया, तो उसको मैंने मूव करवा दिया। ठीक है, इंडेक्स डॉट CSS के अंदर मैं जो CSS लिखूंगा वो बिल्कुल प्लेन CSS होगी। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था ना माई लिस्ट, तो मैं माई लिस्ट करके जैसे लगाता हूँ ना क्लास, मैं बिल्कुल सेम वैसे ही लगाऊंगा, और मैं उसको बोलूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स करते ही क्या हो जाता है, जिस एलिमेंट पे मैंने लिखा डिस्प्ले फ्लैक्स, उस एलिमेंट के पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि वो अपने डायरेक्ट चाइल्ड को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, अपने डायरेक्ट चाइल्ड में जो चाहे वो अल्टरेशन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली अल्टरेशन ये क्या करेगा कि अपने जितने भी चिल्ड्रन हैं उसको जो डिस्प्ले ब्लॉक थे वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो क्या कर देगा, वो इन लाइन बना देगा उसको, और वो सीधा कर देगा एक लाइन में पूरे में। ठीक है, तो देखते हैं जी क्या हुआ। ये तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया यहाँ पर। इसका इम्पैक्ट इस वजह से नहीं आया है क्योंकि मैंने CSS की फ़ाइल अलग बनाई है अभी, और मेरी JavaScript की फ़ाइल अलग है। इस JavaScript की फ़ाइल के अंदर मुझे इम्पोर्ट करके डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट CSS ऐसे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने देखो इसको इम्पोर्ट किया, इसका इम्पैक्ट फ़ौरन यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका इम्पैक्ट फ़ौरन यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब इसको मुझे तो चाहिए था यार दो दो आइटम चाहिए थे एक लाइन में, अब ये तो सारे एक लाइन में आ गए, अब इसको कैसे करेंगे? हाँ भाई, CSS वाले बच्चों जिन्होंने, भाई ये तो सारा एक लाइन में आ गया ना, मुझे तो चाहिए था एक लाइन में दो आए, फिर उसके अगले में दो आए, फिर उसके हैं फ्लैक्स बॉक्स से बताओ ना। अच्छा नहीं, ग्रिड से कैसे होगा ये बताओ। अच्छा, सिक्स कॉलम, नहीं वो तो फिर असल में फिर मुझे 12 कॉलम अप्रोच पे जाना पड़ेगा ना, वो तो 12 कॉलम अप्रोच हो गई ना, जो कि स्क्रीन पे पूरे पे 12 कॉलम्स होते हैं उसको फिर हम, 12 कॉलम अप्रोच जो है ना, एक अप्रोच होती है CSS के अंदर, लेकिन वो अप्रोच मैं पर्सनली वो लाइक नहीं करता उस अप्रोच को। ठीक है, उसमें होता ही है कि आपकी स्क्रीन को ना 12, जितनी मैंने 1000 पिक्सल की स्क्रीन है अगर, तो 12 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लेते हैं हम उसको, और हम उसके हिसाब से हम CSS लिखते हैं। एक्चुअली वो परसेंटेज को लिखने का एक समझ लो तरीका है, तो वो परसेंटेज वाली बात हो गई है। तो मैं अगर ये बोल दूँ कि एक को 6 कॉलम दे दो, एक को 6 दे दो, या मैं एक बोलूँ एक को 50%, एक को 50 दे दो, एक ही बात है वो। ठीक है, तो 12 कॉलम अप्रोच जो है वो बूट स्ट्रैप के अंदर ना हैवीली उसको करते हैं ये, मतलब 12 कॉलम अप्रोच को करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स के अंदर 12 कॉलम अप्रोच वाली कोई कहानी नहीं है। ठीक है, मुझे विर्थ ही कुछ ना कुछ ऐसी सेटिंग बनानी पड़ेगी कि मैं विर्थ दे दूँ। दूसरी अप्रोच मेरे पास ये हो सकती है कि मैं इस ULLI के अंदर मैं मज़ीद एलिमेंट्स बना दूँ, जिससे भी वो मसला मेरा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे आके मैं फ़िलहाल के लिए क्या कर लेता हूँ, विर्थ वाला काम कर लेता हूँ। विर्थ वाला काम क्या करूँगा, मैं इस यूएल को विर्थ बताऊँगा कि भाई आपकी जो विर्थ है वो 400 पिक्सल है, और एक एक आइटम को मैं बताऊँगा कि आपकी विर्थ क्या है, 200-200 पिक्सल है। ठीक है, तो 400 पिक्सल का पेरेंट है तो 200-200 पिक्सल फिर वो खुद ही नीचे वाली लाइन में रैप होता जाएगा। तो ये तरीका हम फ़िलहाल के लिए कर लेते हैं। दूसरी अप्रोच ये है कि मैं उसको एक रैप कर दूँ ना यहाँ पे, इन दो एलिमेंट को एक डिव में रैप कर दूँ, इन दोनों को एक डिव में रैप कर दूँ। नहीं फिर तो कुछ भी देना नहीं पड़ेगा ना, फिर तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ फ्लैक्स कॉलम बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कॉलम बनाना पड़ेगा। वेल तो मैंने बोला कि भाई माई लिस्ट जो है ना, इसकी जो विड्थ है वो 400 पिक्सल है, सही है। और उसके बाद मैंने बोला कि माई लिस्ट के अंदर जो एल आई है उसकी जो विड्थ है कितनी कर दूं तो सही रहेगा, 200 करने से वो चीज़ अचीव हो जाएगी जो मुझे चाहिए। सी एस एस का भी टेस्ट है तुम लोगों का आज। मेरा सवाल ये है कि मैंने 400 रखा है पेरेंट का साइज, अब चिल्ड्रन उसके अंदर यूं सीधे खड़े हैं मैं सारे, अब मैं चिल्ड्रन को अगर 200 का साइज दे देता हूँ, नहीं फ्लैक्स रैप, चलो फ्लैक्स रैप पहले दे देता हूँ मैं यार। और बोलो फ्लैक्स रैप मैंने पहले दे दिया, सही है। मैं ये वाली बात नहीं कर रहा था, फ्लैक्स रैप तो मैंने दे दिया। 200 में हो जाएगा, आर यू श्योर? हाँ भाई बताओ। 50% यूँ दे दो? अच्छा 50% दूँ या 200 दूँ, बात एक ही है एक्चुअली, बात एक ही है ना। तो मेरा सवाल यही है कि क्या इससे मसला हल हो जाएगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगी इसमें? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा, सही है। देखते हैं पहले लगा के उसके बाद देखते हैं कि क्यों नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा कि मैं 200 पिक्सल लिखूँगा तो बजाय एक लाइन में दो आने के एक ही आएगा, बाकी आगे की जगह खाली रह जाएगी। ठीक है, देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। नहीं यार हो गया, दो आ गई। अच्छा असल में क्या चक्कर होता है, हाँ चक्कर असल में ये होता है कि जब मैं, अच्छा देखो ये स्टिल बाहर निकल तो रहा है, ये कहीं इधर उधर जा तो रहा है। अच्छा जो बॉक्स मॉडल है ना हमारा, हाँ नहीं वो असल में पैडिंग उसमें लगी हुई ना, तो उसकी विर्थ असल में 400 हुई नहीं है, उसकी विर्थ हुई है 440 पिक्सल। हाँ तो इस वजह से जो है ना वो वाली चीज़ हुई नहीं। अगर ये सिंपल डिव होता ना तो ऑब्वियसली ये चीज़ होती है। अगर मैं इसमें से, हाँ अच्छा लिस्ट स्टाइल ना, हाँ लिस्ट स्टाइल भी तो मुझे हटानी पड़ेगी। पैडिंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इसकी पैडिंग हाथ से ज़ीरो कर देते हैं। अच्छा अभी भी क्या हो रहा है यार, पूरे 400 हो गया लेकिन वो नहीं हुआ, ओवरफ्लो नहीं हुआ। अच्छा ओवरफ्लो यार ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो एल आई है ना उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन, कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन HTML के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिस पे क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन, कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग उसके ऊपर होती है डली हुई, जैसा कि पैराग्राफ, पैराग्राफ में कुछ ना कुछ मार्जिन होता है, टॉप पे बॉटम पे भी होता है और साइडों में भी होता है। ठीक है, तो हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो क्या करता है कि हमारा जो मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर ये तीनों मिल के बॉक्स बनता है। मिसाल के तौर पर एक बॉक्स हमारे पास अगर 200 पिक्सल का है, ठीक है, और उस पर एक पिक्सल का बॉर्डर है अगर, ठीक है, तो टोटल हमारा बॉक्स कितने पिक्सल का बनेगा, 200 का बॉक्स हो गया और लेफ्ट पे एक पिक्सल, राइट पे एक पिक्सल, तो टोटल विड्थ मेरे बॉक्स की कितनी बनेगी, 202 पिक्सल बनेगी ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना बॉर्डर, और मैं लगाऊंगा बॉर्डर
1 पिक्सल, तो ये टोटल मेरे विड्थ कितनी बनेगी, 202 पिक्सल बनेगी। एक मिनट, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सही है, देखो ये नीचे आ गया, 1 पिक्सल बड़ा और नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन लकीली LI के ऊपर बिल्ट इन कोई ऐसी चीज़ लगी हुई नहीं होती, लेकिन HTML के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिस पर इस तरह की चीज़ लगी हुई होती है। अच्छा, अब मगर उसके मुझे अगर इसको हैंडल करना है, मैं कैसे करूँगा, 2 पिक्सल तो 1 पिक्सल राइट पे, 1 पिक्सल लेफ्ट पे बॉर्डर आ गया, ठीक है, तो 202 पिक्सल हो गया। अब मैं क्या करूँ, या तो मैं इसके पेरेंट को बढ़ा दूंगा, अगर मेरे पेरेंट को बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है तो मैं इसका खुद का जो साइज़ है वो 2 पिक्सल कम कर दूंगा मैं, ठीक है, इसको 50% से भी नहीं होगी, 50% का मतलब तो वही है ना एक्चुअली, 50% का मतलब है 200। वेल मैंने लगे आता तो मैं बॉक्स मॉडल समझा दिया, दैट्स इट। तो 198 का ये इटसेल्फ हो गया, 1 पिक्सल का बॉर्डर इधर, 1 पिक्सल का बॉर्डर इधर, तो ये टाइटली अब 200 पिक्सल का मेरा बॉक्स बना है। वेल, तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जो CSS हमारे पास प्लेन HTML के ऊपर लगती है वही सारी CSS इस पे भी लग रही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जैसे CSS की फाइल हम बनाते थे, बनाएंगे वैसे ही, लेकिन उसको लिंक का टैग लगाने के बजाय इम्पोर्ट करेंगे, नंबर एक बात। नंबर दो बात, इस CSS के अंदर जो भी CSS लिखी जाएगी वो तमाम की तमाम प्लेन CSS है, उसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर तीन बात, यहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट लगाया है क्लास का, जो एट्रीब्यूट है उसमें मैंने क्लास नहीं लिखा जब बल्कि क्लास नेम लिखा है और कैमल केस में लिखा है, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर यानी कि JSX के अंदर एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं वो सारे HTML वाले ही हैं, लेकिन वो कैमल केस के अंदर है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने क्लास लिखना है तो उसका क्लास नेम, अच्छा एक तो एट्रीब्यूट है जिनका इन्होंने नाम चेंज किया, बाकियों का नाम इन्होंने चेंज नहीं किया, ठीक है। अगर मुझे ID लिखनी है तो मैं एग्जैक्टली उसी तरह लिखूंगा, ID इक्वल्स टू 23 ऐसे स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया। हाँ वो भी, एक दो एट्रीब्यूट्स का नाम चेंज किया है, सबका नाम इन्होंने चेंज नहीं किया, इसलिए चेंज किया कि क्लास जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व वर्ड है, ठीक है। क्लास लिखते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली क्लास होती है, तो इसलिए इसको क्लास नेम किया है, ठीक है जी। असली डॉम पे आ रही होती है, असली डॉम पे आ रही होती है, होता ये है कि जब कोई भी चीज़ हम चेंज करते हैं ना, जब कंपोनेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है, चाहे वो इफेक्ट की वजह से या चाहे किसी रेफ की वजह से, किसी भी वजह से, तो वो चेंज जो है ना पहले रिफ्लेक्ट होता है वर्चुअल डॉम के ऊपर मेरे। अच्छा, हर थोड़ी देर पे क्या होता है कि वो वर्चुअल डॉम की एक कॉपी ना एक्चुअल डॉम पे वो डिस्प्ले करा देता है, दैट्स इट। हाँ नहीं नहीं, देखो असल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब जो भी चीज़ हम करते हैं ना रिएक्ट में कोडिंग के थ्रू, वो सीधा वर्चुअल डॉम पे होता है वो, और वर्चुअल डॉम एक अलग से सेपरेट डॉम है, और जो रियल डॉम पे वो कब जाता है, रियल डॉम पे वो कब जाता है कि वो थोड़ी देर में उठाता है उसको और रियल डॉम पे डिस्प्ले करा देता है, वो एक पीरियोडिकली उसको, मतलब कंटिन्यूसली उसको रियल डॉम पे वो करवा रहा होता है। नतीजा ये होता है कि जो डॉम के अपने फंक्शन है ना वो कम कॉल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास डेटाबेस से 10,000 आइटम आए और 10,000 आइटम पे मैंने लूप चलाया और लूप चला के मैंने JSX रिटर्न किया और JSX में इस तरह से मैंने चेंजेस किए, तो आप ये इनर HTML वाले भी करके देखना, कोड ब्रेक हो जाता है, मतलब ब्रेक नहीं होता, हैंग हो जाता है पूरा सिस्टम इस तरह की अगर कोई चीज़ करें हम। तो वर्चुअल डॉम पे जब वो करते हैं ना तो उसमें ये मसला नहीं होता, सही है, जब वो रेंडर हो जाता है वर्चुअल डॉम, जब बन जाता है पूरा चीज़ दिख जाती है उस पर, तो लास्ट में जाके ना उसको एक ही दफ़ा जो है उठा के डॉम पे करते हैं, डॉम के फंक्शन को बार बार कॉल नहीं करते। वो तो अभी हम इंशाल्लाह इफेक्ट पड़ेंगे तो हम उसमें देख लेंगे। हाँ नहीं, मैं देखो अगेन बता रहा हूँ, जब भी हम कोई चीज़ चेंज करेंगे ना यहाँ से कोई जैसे अभी मैंने देखो ये रिटर्न किया है, तो मैंने इसको रिटर्न करते हुए
HTML तो नहीं रिटर्न की ना, JSX रिटर्न किया है ना यहाँ से, मतलब मैं कंपोनेंट जो लिख रहा हूँ मैं JSX की ज़ुबान में लिख रहा हूँ, इसमें मैंने क्लास भी दे दिया, इसमें मैंने कुछ कैलकुलेशन भी करा दी, एक वेरिएबल भी प्रिंट करवा दिया, तो ये जो फंक्शन चला है, वैसे तो ये फंक्शन बहुत ही सिंपल है, एक ही दफ़ा चलेगा, जब ये फंक्शन चलेगा ना ये वाला, तो ये डेटा किसको देगा, ये वर्चुअल डॉम को देगा, ये कभी भी डायरेक्ट रियल डॉम पे कभी भी रेंडर नहीं होगा, ये वर्चुअल डॉम को ये डेटा पकड़ा देगा, वर्चुअल डॉम उसको पूरा सजा वजा के सीधा करके ना जब, और थोड़ी देर में उसको जो एक्चुअल डॉम को दे देगा। अब वो थोड़ी देर जो मैं कह रहा हूँ वो कुछ मिली सेकेंड में पीरियोडिकली करता है गालबन ये, तो वो आपको पता नहीं लगेगा कि वो क्या चीज़ वो रियल पे हो रही है, क्या चीज़ किधर हो रही है, ठीक है। और वर्चुअल डॉम को अब इतना लोग डिस्कस भी नहीं करते बाय द वे, मतलब बुक्स अब जो नई वाली है ना उनके अंदर वर्चुअल डॉम को इतना डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल, वो कहते हैं यार बस डॉम ही है, आप रियल है या वर्चुअल है इससे आपको क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है भाई, डॉम तो डॉम है, रियल है या वर्चुअल है आपको क्या, आपने बस फंक्शन कॉल करना है ये वाला, पीछे वो खुद ही रेंडर करता है, उसका मसला है वो। ज़रा उसने भी इस आर्टिकल में भी, ये आर्टिकल भी ज़रा पुराना है ना, 2020 का आर्टिकल है ये, तो अब नए वालों में ना ये वर्चुअल का जिक्र भी नहीं करता है वो, मतलब अलग से नहीं एक्सप्लिसिटली बताते कि भाई वर्चुअल कोई चीज़ है, वो बस उसको सरसरी सा करके आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा वापस आते हैं यार हम, ये CSS वाला हमने काम कर लिया, तो इसने जो चैलेंज दिया था ये चैलेंज हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा एट दिस स्टेज यू ऑलरेडी नो सम HTML एंड सम CSS, यू नो इनफ अबाउट रिएक्ट टू रेप्लिकेट बेसिकली एनी स्टेटिक वेबसाइट। कोई भी स्टेटिक वेबसाइट जो है अब वो आप रिएक्ट के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अब आपने जो CV वाली वेबसाइट बनाई थी ना इस क्लास में, जब पहले दिन हमने HTML पढ़ा था, तो आप सब लोगों से मैंने एक CV की वेबसाइट बनवाई थी, सही है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो बना ली थी वेबसाइट इस क्लास में, अच्छा वो वेबसाइट अब आपको क्या करनी है, रिएक्ट पे बनानी है, ठीक है। तो ये आपका टास्क हो गया। अच्छा लेकिन वो हमने इस पर नहीं बनानी, कोड सैंडबॉक्स पर, कोड सैंडबॉक्स तो ऐसी मतलब प्रैक्टिस के लिए था, अभी हम उसको ना प्रॉपर जो तरीका है वो करते हैं। और आज हम यहाँ पे एक वेबसाइट बना के और उसको होस्ट करके उठेंगे यहाँ से, अभी करते हैं ना, किसी पे भी करेंगे, ठीक है। हमारे पास 5 मिनट रहते हैं लास्ट क्लास के, तो 5 मिनट के अंदर आई होप कि हम क्या कर लेंगे, एक छोटी सी हेलो वर्ल्ड तो हो जाने दो, हाँ हाँ अभी करते हैं हेलो वर्ल्ड हो जाने दो, अभी ज़रा इसको मैं हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे कर दूँ ना, ठीक है। और देखो मैं क्या कर लिया, मैंने रिएक्ट का एक फ़ोल्डर बना लिया, और रिएक्ट का फ़ोल्डर बना के उसमें मैंने क्या किया, CD करके उसके अंदर चला गया, 05 रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने लिखा npx create dash react dash app और मेरी ऐप का नाम, मेरी ऐप का नाम है CV, एंटर, क्या हुआ, अच्छा सूडो नहीं लिखा मैंने, ठीक है जी। CV के नाम से जो है ना मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया यहाँ पर। अब इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या करना है, मैंने सेम यही काम करना है जो मैंने, वापस आ जा रहा हूँ मैं हेलो वर्ल्ड में, ठीक है। अभी हमारा हेलो वर्ल्ड क्या हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ और वापस आ जाओ, ये रहा, यही वाले सारे स्टेप हमने उसमें भी करने हैं अभी राइट नाउ। तो यहाँ पे सैंडबॉक्स में कराया था इसने, अब app.js की फ़ाइल उसमें भी होगी जो हम बना रहे हैं अभी, और हमने उसको भी इसी तरह करना है। अभी तक ये बन ही रहा है, क्या हो गया इसको, बड़ा टाइम लगा रहा है ये तो। अच्छा जी ये हमारे पास ऐप हमारी बन के आ चुकी है रिएक्ट की, इसमें SRC का फोल्डर है ना, ये हमारे काम का फोल्डर है, बाकी जो ऐप है पूरी की पूरी ये एक सिंपल Node.js का पैकेज है, एक सिंपल Node.js का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। और इसमें package.json आपको पता है, जो पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं हम, जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं उसका नाम इसमें होता है, गिट इग्नोर आपको पता है, जो चीज़ हम गिट पे भेजना नहीं चाहते ये उसके अंदर उसके नाम होते हैं,
ठीक है, पब्लिक के अंदर जो है ना कुछ HTML की एक फाइल रखी हुई है. वेल लेकिन हमारे फिलहाल जो हमने फोकस करना है ना हेलो वर्ल्ड के अंदर रहते हुए, वो हमने SRC के फोल्डर पे फोकस करना है. अच्छा, जैसा कि आर्टिकल में उसने बोला था ना कि index.js की फाइल में जाके चेंजेस करो, तो हम index.js की फाइल में चेंजेस करेंगे. और हम क्या करेंगे, app.js की फाइल को फिलहाल के लिए हम डिलीट कर देंगे. ठीक है, अरे भाई क्या चक्कर है, app.js, app.css और ऐप के नाम से दो तीन फाइलें हैं ना, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, एक साथ पकड़ के डिलीट किया. डिलीट ही नहीं करने दे रहा ये. हाँ, app.js को यहाँ से मैं डिलीट करूँगा, app.css को भी डिलीट करूँगा मैं, और app.test.js को भी मैं, नहीं नहीं रन तो नहीं हो रही अभी. अच्छा नहीं नहीं वो रिस्ट्रिक्शन लगा के भेजी है उसने, क्योंकि उसको वो चाहता नहीं है कि डिलीट करे उसको. नहीं नहीं वो जिसने लिखी है ना ये फाइल, जिसने गिटहब में पुश की है, उसने ही रिस्ट्रिक्शन लगा के पुश की है. अच्छा वेल देखो अभी मैं जाके बताता हूँ ये कहाँ पे है. देखो index.js है ना, बल्कि इससे बाहर आ जाओ ना. नहीं index.js पे ही एक्चुअली होगी. index.js पे मैंने राइट क्लिक किया, गेट इन्फो किया, और गेट इन्फो के अंदर ना नीचे परमिशन ये शो कर रहा होगा. देखो परमिशन यहाँ पे आ रहा है कि सिस्टम के पास रीड एंड राइट है, लेकिन बंदों के पास जो रीड ऑनली है. इसको मैं चेंज कर दूंगा everyone रीड एंड राइट, तो ये मसला मेरा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा. कैन नॉट बी कम्प्लीटेड नेसेसरी. अच्छा पहले इसका ताला खोलना पड़ता है ना, यहाँ से पहले ताला खोलना पड़ता है इसका. ये जब तक ताला नहीं खुलता ना ये चेंज नहीं होता है, सिंपल सी बात है. रीड राइट कर दिया मैंने इसको और ताले को वापस बंद करना पड़ता है. ये इसका ये रिस्ट्रिक्शन मैक में तो होती है, विंडोज़ में भी होती है ये वैसे, लेकिन विंडोज़ में अब पता नहीं वो करके देते हैं या नहीं देते, ये नहीं पता मुझे. लेकिन NTFS फाइल सिस्टम में ये मौजूद है कि भाई किसको क्या परमिशन होनी चाहिए. ठीक है, अब मैं आके इसको जब सेव करूँगा ना तो इसको वो मसला नहीं करना चाहिए, लेकिन कर अभी भी रहा है. एक मिनट, डोंट सेव. काम करता हूँ मैं बैक करके ना यहाँ पे CV वाले फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, और CV वाले फोल्डर पे क्लिक करके गेट इन्फो करता हूँ, और गेट इन्फो करके ना इस पूरे फोल्डर की मैं परमिशन फ़िलहाल के लिए चेंज कर देता हूँ. ठीक है, रीड एंड राइट एवरीवन और रीड एंड राइट स्टाफ, सबका मैंने रीड एंड राइट कर दिया. अरे इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा होता है कि अंदर के फोल्डरों पे भी इसको अप्लाई कर दो, अप्लाई टू इनक्लोज्ड आइटम्स. ओके अच्छा एक हल मैं इसका और भी कर सकता हूँ, ये कि मैं यहाँ पे आके ना एक index.mjs करके एक फ़ाइल बना लूँ और पुरानी फाइल को डिलीट ही कर दूँ. सही है, पुरानी फाइल को मैंने डिलीट ही कर दिया और ये एक नई फाइल बना ली मैंने. सही है, और इस नई फाइल के अंदर मैंने क्या पेस्ट करना है, लागे ये वाला आइटम. सही है, ये वाला आइटम पेस्ट कर दिया. अच्छा इसको आप चलाएंगे कैसे, इस प्रोजेक्ट को जल्दी से ज़रा हमने रैप अप करना है. ठीक है, इसको प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मुझे रखना पड़ेगा, इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा CD CV. ठीक है, CV के फोल्डर में गया, NPM स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास मेरी मशीन पे चल पड़ेगा. ये मैं लोकली इस प्रोजेक्ट को चला रहा हूँ. राइट, हाँ ठीक है जी, ये मेरे पास लोकल ये प्रोजेक्ट चल गया. अच्छा जो सारे काम मैंने इधर किए थे ना, यहाँ पे आके कोड सैंडबॉक्स में, वही सारे काम मैंने यहाँ पे भी करना है. तो कहाँ चला गया मेरा कोड सैंडबॉक्स, अरे वो मैंने मिस कर दिया, वो मैंने कोड सैंडबॉक्स ही मिस कर दिया. अच्छा वेल ये प्रोजेक्ट खुल क्यों नहीं रहा. अच्छा कंट्रोल क्लिक करके इसको खोल लेता हूँ. ठीक है, ये लोकल होस्ट 3000 पे मेरे पास ये चल चुका है प्रोजेक्ट. ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पे ना ये प्रोजेक्ट मेरे पास चल रहा है हेलो वर्ल्ड वाला.
राइट क्लिक करके मैं इसका कॉन्सोल खोल लेता हूँ। यहाँ पे कॉन्सोल पे मुझे दिखता रहेगा जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर ना, ये फंक्शन भी ज़रा डेप्रिशिएटेड हो गया पुराना, इसकी जगह एक नया फंक्शन लेकर आए ये, लेकिन फिलहाल आप इसको इसी तरह चलाएंगे। अब इसमें जो भी चेंजेस थी ना वो वाली जो हम पहले कर चुके थे, मिसाल के तौर पे मैंने कर दिया कि भाई हेलो मलिक यहाँ पे, और सेव करेंगे तो यहाँ पे ये वाला रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। वही सी एस एस की फाइल यहाँ पे बनाएंगे आप उसी तरीके से जैसे कोड सैंडबॉक्स में बनाया था, तो वो यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग का जो टैग लगाता था, स्ट्रॉन्ग का टैग मैंने लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे आके उसको मैंने क्लोज कर दिया स्ट्रॉन्ग के टैग को, ठीक है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग वाला जो काम था ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये मलिक जो है वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा अब देखो सब लोगों को समझ आ गया कैसे हुआ ये। अब इसी तरीके से रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट अपने अपने फोल्डर में अपनी अपनी मशीनों में बना के आपने क्या करना है, इसके ऊपर पूरी की पूरी एक हमने सी वी की वेबसाइट बनानी है रिएक्ट के ऊपर। हाँ तो बस सही है ना, बाकी जिन्होंने नहीं बनाई वो बनाएंगे। अच्छा तो जिसने पहले से बना ली है तो इट्स ओके, ठीक है, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे दिखा देना जो पहले से बनाई हुई। तो सी वी की एक वेबसाइट बनानी है, सी एस एस लगाना आप सीख चुके हैं, मिसाल के तौर पे इमेजेस लगाना अगर किसी को नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें इमेज लगाने में एक छोटा सा एक ट्रिक है, ठीक है, जो नॉर्मल एच टी एम एल से डिफरेंट है, इम्पोर्ट करना पड़ता है, अलग से गूगल कर लेना छोटा सा, ठीक है। फिर भी नहीं समझ आए नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, मैं बता दूंगा। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आप सी वी वाली वेबसाइट बनाकर लेकर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको फायरबेस होस्टिंग पे या गिटहब होस्टिंग पे इसको होस्ट करना सीखेंगे। प्लेन एचटीएमएल की फ़ाइल आप होस्ट करना जानते हैं, रिएक्ट की फ़ाइल को होस्ट करना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है जी। चलें अल्लाह हाफिज़।